Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony LIV app डाउनलोड करें. Sony LIV. We live to entertain. एसीपी साहब ने जो काम बताया था उनके आने से पहले पहले कर लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी दो बातें सुननी पड़ेगी, समझे? मेरी बात ध्यान से सुन ले भाई, आज के आज वो काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? और ये तुम कर क्या रहे हो? पोज पे पोज मारे जा रहे हो? मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो? एक सीनियर की इंसल्ट कर रहे हो तुम? क्या बात है फ्रेडी, निखिल को डांट क्यों रहे हो? अरे सर, मैं डांट नहीं रहा था सर, मैं तो ये कह रहा था कि एसीपी साहब ने जो फाइल ढूंढने के लिए कहा था वो जल्दी से ढूंढ ले। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, बस आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। कोई परेशानी है निखिल? कुछ कहना चाह रहे हो उसे? नहीं सर, मैं आपको देख रहा था कि आप कैसे खड़े होते हैं, आपका स्टाइल देख रहा था सर, आपकी तरह बनना है इसलिए। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? करूंगा सर। CID हमारी जरूर मदद करेगी। क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? सर, मेरी बेटी कल से गायब है, मेरी इकलौती बेटी माया पता नहीं कहाँ चली गई सर। शायद यही वो जगह है जहां पे उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी जब उसे होश आया। एक काम करते हैं, आसपास जमीन पे देखते हैं, जमीन पे कुछ ना कुछ मिल जाता है जब कोई झगड़ा वगैरह होता है, जमीन ही एक गवाह होती है। ये देखा, कांच का टुकड़ा ये मुड़ा हुआ है, तो लगता है गाड़ी के लाइट से टूटा हुआ है। लगता है यहाँ पे करण की कार का एक्सीडेंट हुआ है, तभी एक कांच का टुकड़ा यहाँ पे गिरा था। से प्यार करता था मैं। लो भाई, प्यार का एक और नमूना, प्यार भी करो और खून भी करो। पायल का खून क्यों किया तुमने? वो करण और मनीष से मिलती थी, हमें तन बदन में आग लग जाती थी, मैंने कई बार समझाया उसे। मारता पीटता भी था ना? वो तुमसे प्यार करती थी? नहीं, और मैं तो करता था ना, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था उसे। और कहा क्या था मैंने सिर्फ उसे कि करण और मनीष से ना मिले, मेरी तो सुनती नहीं थी ना वो। प्यार है या पागलपन है,
तुमने पायल को मारा कैसे? मैंने करण और पायल की सॉफ्ट ड्रिंक में एक ड्रग मिला दी थी और उसके बाद तुम उनके पीछे लग गए। मैंने देखा कि जैसे ही करण ने पायल को कॉफी शॉप पे छोड़ा, मैं वहां पहुंच गया और उसे कॉफी पिलाने के बाद मार दिया। हाँ, मगर लाश को छिपाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, तभी देखा कि करण की कार हाईवे पे खड़ी है और मैंने पायल की लाश को उसकी डिग्गी में डाल दिया। वो वैसे भी नशे में था। बस तुमने पायल की लाश करण के कार में डाल दी। हाँ। किस्मत अच्छी थी इसकी, फोन किया इसने और फंस गया करण। करो तुम और भरे कोई और, ऐसा होता नहीं है मैनेजर साहब। गुनाह तुमने किया है तो सजा भी तुम्ही को मिलेगी। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते बैठना, दीवारों से प्यार करना, फांसी का ऑर्डर आने तक। वाह अभिजीत, कितना अच्छा खाना बनाया आपने। Yeah? मजा आ गया, एकदम टेस्टी। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपने एसीपी सर और दया सर को क्यों नहीं बुलाया? हाँ, अरे उन्हें क्यों बात, वो लोग कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे, मेरे हाथ का खाना खा चुके हैं। दया तो पूरा खाना खा जाता है, मेरे लिए नहीं बचता है। बहुत अच्छा बनाता हूँ ना मैं खाना, इसलिए सोचा कि इस बार सिर्फ आपको अकेले खाना खिलाऊं। मगर एटलीस्ट सानू के सर को तो बुला लेते। कबाब में हड्डी, किसका नाम ले लिया आपने? क्या कहा आपने? नहीं मतलब सारों के साहब का टेस्ट अलग है, पता नहीं कैसा खाना खाते हैं वो, मेरे हाथ का खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए बुलाता नहीं उन्हें मैं। अरे ऐसे भी क्या बात कर, अभी इतना अच्छा खाना किसे पसंद नहीं आएगा। हाँ वही तो। वैसे एक बात बोलूं, जिसकी भी शादी आपके साथ होगी ना, वो लड़की सही में लकी होगी। अच्छा तो फिर क्या इरादा है आपका? हाँ? नहीं मतलब एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलने के बारे में क्या इरादा है आपका? रेस्टोरेंट? हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया अच्छा है ना एकदम। चलो मैं खाना हो गया, मैं प्लेट लग देती हूँ किचन। नहीं नहीं रहने दो, सुबह भाई आएगी रख देगी। नहीं नहीं एटलीस्ट ये बचा हुआ खाना तो रख दूँ। नहीं नहीं आप मत रखिए, मैं रख देता हूँ। इट्स ओके अभिजीत, नो फॉर्मेलिटीज, लाइए। नहीं नहीं आप हमारे मेहमान हैं, आप नहीं मुझे दीजिए, मैं रखता हूँ। अभिजीत अरे नहीं आप छोड़िए, मैं करता हूँ। अभिजीत नहीं नहीं आप छोड़िए, आप अभिजीत कम ऑन छोड़िए आप। नहीं मतलब ये अरे यही 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 रख दो, बाहर रख दो। हाँ? मैं रख दूंगा ना। अरे हाँ बाबा, अरे उसको मत ओ, ओ। अच्छा अभिजीत इतना अच्छा खाना बनाया तुमने, जरा मुझे भी वो पनीर की सब्जी की रेसिपी बता दो ना। पहले आप गैस ऑन करो, फिर उस पे बर्तन चलाओ, फिर वो जो वो होता है ना वो उसको थोड़ा अपना। हाँ अच्छा अच्छा वो ये क्या ये? हाँ ये तो होटल का डिब्बा है। वही मैं कह रहा था कि फिर आप फोन निकालो, होटल में फोन डायल करो, होटल से खाना मंगाओ, गैस में गरम करो और वेरी स्मार्ट। हाँ तो क्या है ना, अभी खाना बनाना आता नहीं है, शादी के बाद सीख जाऊंगा। अब हेलो खोलो क्या? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।